हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेगी सीटेट एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट। सीटेट 7 जुलाई का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे वह आने वाली सभी वैकेंसीज जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, NVS और अन्य सेंटर लेवल की सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होगी। और जो फीडबैक्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस बार का एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट लेवल का था और एग्ज़ाम को देख रहे सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर मुस्कान देखी गई है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार की कट ऑफ पिछले सालों के मुकाबले अच्छी रहेगी और इस बार ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। आइए इस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। कट ऑफ को जानने से पहले सीटेट एग्ज़ाम का थोड़ा रिव्यू और एनालिसिस कर लेते हैं। जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे वह आने वाली सभी पोस्ट जैसे केंद्रीय विद्यालय, NVS, ट्राइबल स्कूल्स, इनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो स्टूडेंट्स से फीडबैक मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यह पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल का था और जो गुड अटैम्प्ट्स माने जा रहे हैं वह 150 मार्क्स में से 112 से लेकर 120 तक गुड अटैम्प्ट्स माने जा रहे हैं। आइए अब सीटेट की कट ऑफ के बारे में देखते हैं। और जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु स्कोर 60% और मोर इन सीटेट एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड एज सीटेट पास। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो 60% या उससे अधिक मार्क्स हासिल करेंगे वह पास कंसिडर करे जाएंगे। एंड कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू OBC SC ST कैटेगरी नीड टू अटेन मिनिमम 55% मार्क्स इन सीटेट एग्ज़ाम। तो जो कैटेगरी के हिसाब से जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे और OBC, SC और ST को कम से कम 55% मार्क्स लाने होंगे। अगर मार्क्स में देखें तो जनरल कैटेगरी वाले 90 मार्क्स या उसके ऊपर वाले पास होंगे और OBC, SC और ST कैटेगरी में 82 या उससे अधिक मार्क्स वाले पास होंगे।